अयोध्या में कैसरगंज सांसद की स्वाभिमान यात्रा विष्णुहरपुर से चलकर सोहावल चौराहा पहुंची, जहां पर समाज सेवी उबेद खान के नेतृत्व में ब्रिजभूषण शरण सिंह का कई किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। उनके काफिले में काफी नवयुवकों में उत्साह और भीड़ देखने को मिली। उसके बाद शहादतगंज बाईपास पर स्थानीय होटल में साधु संतों का सम्मान समारोह कार्यक्रम के बाद सम्पन्न हुआ। वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बताया कि जिस दिन दिल्ली से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसी दिन से मैंने अपना कार्यक्रम तय कर दिया था, जिसमें कई प्रांतों से बुलावा आया लेकिन मैं जा नहीं पाया। फिर मैंने 5 छोटी छोटी यात्रा रखी, जिसमें आज मेरी चौथी यात्रा है। ये जन जागरण यात्रा है, लगातार कार्यक्रम चल रहा है और 3 तारीख को हम लोग अयोध्या नया घाट पर परमहंस दास जी की समाधि से यात्रा प्रारंभ करेंगे। वही ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि आजादी के समय में एक यात्रा हुई थी जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। फिर 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, तब हिंदू और मुसलमान शामिल थे और लगभग 47 साल के बाद अन्याय के विरोध में और उत्तर भारतीय के स्वाभिमान के लिए एक यात्रा प्रारंभ हुई, जो राज ठाकरे को अयोध्या न आने देने की चुनौती के साथ प्रारंभ हुई थी और राज ठाकरे ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। लेकिन हमने कहा था कि जिस दिन वो आना चाहते हैं उस दिन उत्तर भारतीय वहां पर उपस्थित रहेंगे, यही मीठा संकल्प है। और उस दिन वहां 5 लाख उत्तर भारतीय उपस्थित रहेंगे, जो सरजू स्नान करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, राम जी का दर्शन करेंगे और भव्य तरीके से मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाएंगे। उत्तर भारतीयों के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह। आप सब लोगों को विदित है कि जिस दिन मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी दिन से मैंने डे बाय डे अपना कार्यक्रम तय कर दिया था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा था, फिर झारखंड का दौरा था, बिहार का दौरा था, कई प्रांतों में और बुलावा आया, नहीं जा पाया। हरियाणा से भी बुलाया, छत्तीसगढ़ से बुलाया आया। फिर हमने 5 छोटी छोटी यात्राएँ रखी थी, आज ये हमारी चौथी यात्रा है जो बिष्णुहरपुर से प्रारंभ हुई और यहाँ पर आकर के समाप्त हुई है। एक जन जागरण यात्रा है और परसों फिर 3 तारीख को हम परमहंस जी के समाधि से यात्रा का प्रारंभ करेंगे और चौक होते हुए, साकेत के सामने से चौक होते हुए शहादतगंज से बाएं मुड़ करके गद्दोपुर सिद्धू सिंह के यहाँ जाएंगे और वहीं पर समाप्त होगा। सांसद जी, आपात जन समर्थन मिल रहा है आपकी यात्रा को, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये आज़ादी के पहले एक आंदोलन हुआ था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। फिर 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब हिंदू और मुसलमान शामिल थे और लगभग 47 साल के बाद अन्याय के विरोध में और स्वाभिमान के लिए एक यात्रा, उत्तर भारतीयों के स्वाभिमान के लिए एक यात्रा प्रारंभ हुई और जो राज ठाकरे को अयोध्या न आने देने की चुनौती के साथ प्रारंभ हुई थी, उन्होंने तो अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। लेकिन हमने कहा था कि उत्तर भारतीय में जिस दिन वो 5 तारीख को आना चाहते हैं, हमने कहा था 5 लाख उत्तर भारतीय वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और यही मेरा संकल्प है कि 5 लाख उत्तर भारतीय अयोध्या में आएंगे, सरजू स्नान करेंगे, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाएंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, राम जी का दर्शन करेंगे, कोई सभा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, शांतिपूर्वक लोग चले जाएंगे।